अगर आपके पास 10 लाख रुपया हो तो आप अमानत के तौर पर किसके पास रखेंगे, आसफ अली जरदारी के पास, नवाज शरीफ के पास या इमरान खान के पास? नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ के पास क्यों रखना चाहेंगे? इसलिए रखना चाहेंगे कि उसकी मालियत जो है वो बाप दादा से है ना, ये आगे बनती जा रही है। 10 लाख रुपया हो मैं किसके पास रखना चाहूँगा? ऑप्शन जरदारी, इमरान खान और तीसरा कौन सा? इमरान खान, नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी। मैं अपना 10 लाख रुपया इमरान खान के पास रखाऊंगा, वो ज़रा बंदा ईमानदार है। नवाज शरीफ किस लिए देंगे कि हम सुबह इधर से बैठते थे 3 दिन के बाद कराची पहुंचते थे, अब जो सुबह कराची से बैठते हैं तो वो शाम को इब्तबाद पहुंचते हैं, मानसर और कोस्तान तक पहुंचते हैं। उसने रोडों के जाल बिछाए, फिर जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो 600 रुपये तोड़ी आटे की थी 600 रुपये, अभी हम 3000 में रह रहे हैं, अभी हम 3000 रुपये में ले रहे हैं। डालडा इसी तरह था, चीनी इसी तरह थी, बाकी खुर्द नोश की तमाम अशिया इसी तरह की थी। अब इन्होंने जो किया वो हमें विरासत में हमें ये मिला कि हम 3000 का 20 किलो की थैली ले रहे हैं और चीनी की इसी तरह की रेट है, डालडे की इसी तरह की रेट है। क्या आवाम महंगाई का नया बम बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? ऐसी बातें न किया करें ना, डर लगता है, ये महंगाई वाली बातें सुन के भी डर लगता है।